मंगा लूं, उनको भी खवा दूं, मैं भी खा लूं, और तुम सब सब खड़े रहो। नहीं नहीं तुम गलत, पानी में घोर का मैं भी खा रहा हूं और उनको भी खवा रहा हूं, फिर क्या होगा तुम्हारो? भावनाओं को समझो बस, अब तो एक ही बात है, पाकिस्तान ही लानी है, पाकिस्तान ही लानी है। रबूपुरा का यही वो गांव है जहां पर पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हुई है, सचिन का घर है यहां पर है, लेकिन मीडिया का जमावड़ा इतना है कि इस समय वो दोनों दरवाजा अंदर बंद करके बंद है। जो गाँव वाले हैं वो काफी परेशान है, आप देख सकते हैं काफी। दिक्कत पूरी है सर, हमें करवाना ही है, दिक्कत कौन है सर? ये मीडिया वाले लोग हैं, काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू एक दिन या पांच दिन इंटरव्यू दे चुके हैं जो उनको कहना था, फिर के आप भी जितने मीडिया वाले सवाल तो सब एक ही पूछते हैं, अलग अलग सवाल कोई नहीं पूछता है। उन्होंने जो सवाल का जवाब थे वो दे दिए। अब सरकार अपना काम कर रही है, इन लोगों को अपना काम करने दो, मीडिया ज्यादा परेशान नहीं करे, ये बहुत ज्यादा टेंशन में उनके घर। बस सवाल इनका भी जायज है कि पांच दिन लगातार नॉन स्टॉप सुबह से शाम तक लंबी लंबी इंटरव्यू है, लाइव है, जिसको लेकर ये लोग का घर है, बिजली 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 नहीं है, कहाँ रही है बिजली? बिजली है ही नहीं, सुनो सर, बिजली है, घर छोटा सा है, घुटन है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए। सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, रीजनल मीडिया, यूट्यूबर्स और तमाम तरह के जो मीडिया है वो तमाम यहाँ पर है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं अंदर आकर देखिए, पूरे गांव का माहौल जो है पीपली लाइव जैसा हो गया है, जो देखे वही इधर आ रहा है, और आप समझ सकते हैं कि एक एक ये रोज रोज ये मतलब जो पहले दिन आए थे वो रोज आ रहे हैं, क्या मतलब जो सवाल करने वो उसने कर दिए, खा लेंगे रोटी फोटी हमारे हमें, या फिर कुछ कई बार के हाथ बाजार से कुछ ना या जहर मंगा लूं, उनको भी खवा दूं, मैं भी खा लूं, और तुम सब सब खड़े रहो। नहीं नहीं पानी में घोर का मैं भी खा रहा हूं और उनको भी खवा रहा हूं, फिर क्या होगा तुम्हारो? नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करना पड़ेगा, बहुत हार्ड बात कर रहे हैं, गलत बात बाहर निकाल लीजिए कोई, इस बात की कंबाइंड रूप से आप उनकी भी मजबूरी है, मीडिया के लोग भी क्योंकि ड्यूटी लगी है, कोई अपना तो है नहीं निकल सा है, मीडिया की भी अपनी मजबूरी है, आप देख सकते हैं सबको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, और इनका कहना है कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। हेलो, देखिए क्या हाल है, मैं अपना और मैं पीछे से खा लगा, तीन प्राणी है खत्म मैदान में तुम्हारी जान पे, हमें ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करो, आप बाहर जाइए। इनका ये कहना कि सभी लोग जो है यहाँ पर ना आए, और क्योंकि काफी दिन से लगातार चार पांच दिन हो गए, और ये हालत आप देखिए कि क्या माहौल है। और अगर मैं गांव के बाहर का माहौल दिखाऊं, चलिए बाहर चलिए, अंदर के जो माहौल देख ही लिया, बाहर का माहौल देखिए, बाहर का माहौल की स्थिति भी ये है कि जिस तरह से जो है आमिर खान की फिल्म थी पीपली लाइव, ये दरवाजा बंद कर दिया था, दरवाजा बंद करने के बाद जो है कुछ लोग बाहर थे, और अंदर बाहर की बाहर का बाहर की स्थिति देखिए, अरे वो बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं नहीं हो रहा, ये लोग इंतजार में बैठे थे कि अंदर से दरवाजा खुलेगा हम जाएंगे, भैया नहीं वो अंदर से अंदर, अब देखिए ये माहौल है इस समय घर घर का, अरे गेट नहीं खुला भाई अंदर से, ये इंतजार में थे कि गेट खुलेगा और हम अंदर जाएंगे, अब देखिए कितनी भीड़ दूर तक, देखिए गांव के हैं, बाहर के हैं, अलग अलग स्टेट से, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, हर जगह के जो लोग यहाँ पाए, आप समझिए यहाँ का माहौल महसूस कीजिए। अब आप गली से बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर जो है वो भी वैन दिखाई देगी, मीडिया की वैन दिखाई देगी, ये देखिए दूर तक यहाँ पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, बाहर ये गली मेन रोड है जहाँ पर लोग जो है अपनी गाड़ी पार करके अंदर आते हैं। अगर अंदर की बात करें तो न घर में जगह है न गली में जगह है, और ये देखिए ये हालत है, बाहर तो लोग जो है यहाँ पर ही लोगों से बात कर रहे हैं, तो नुक्कड़ पे जो है लोग खड़े हुए हैं, आप भी काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं चीजों को। हाँ जी सक्षम है सर, ये सक्षम में सही है, सक्षम है मतलब सही आदमी समझदार ही बताएंगे सब कुछ, समझदार तो आप भी लग रहे हैं। ना ना ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, आप ज्यादा समझदार हो, कैसे ही मान लो, नहीं ये कह रही बात समझदार सभी, आप देख सकते हैं वो भी वैन खुली हुई है, वो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं, और गांव में एक मतलब मेले जैसा माहौल है, एक उत्सव जैसा माहौल है, कैसे लग रहा है वैसे? सही लग रहा है, मैं टाइम कट रहा बढ़िया यार, वो लोग कह रहे हैं घर पे पैर रखने की जगह परेशान हुए पांच दिन से लगातार, तो पब्लिक इतनी है तो घर के आ गएगा, पब्लिक भी तो ज्यादा है, कम पड़ रही है ना, जगह बहुत कम पड़ रही है, इसी के लिए जगह बहुत काफी होनी चाहिए, मीडिया वाले तीन चार दिन से आ रहे हैं लगातार,
लेकिन ये रोंडा जो शादी कर रहा है पाकिस्तान से लेकर गाँव वाले क्या करें? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा। अच्छा, कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी खाने पीने से। ये पाकिस्तानी है, वहाँ बहुत महंगा माहौल है, यहाँ बहुत सस्ता माहौल है। वहाँ ये इंडिया है, इंडिया में सबसे सस्ता हर चीज़ मिलती है, खाने पीने सब सामान मिलता है इंडिया में। कुछ युवा भी यहाँ पर है भाई, क्या बात है, क्या क्या सलाह कर रहे हो तुम लोग? सलाह ना कर रहे हैं हम, क्या सलाह करेंगे हम तो कोई सलाह नहीं। पबजी डाउनलोड करने के सोच रहे हैं हम लोग। आईडी बनाने की मूछ डाली की बात कर रहे हो? कहाँ से लोग जलाओगे? पाकिस्तान डाले मूछ लड़के लाओ। तुम्हारा भी जो है मन बन गया? मन नहीं, पूरा भारत मिलाकर खंड भारत बना। भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, बस अब तो एक ही बात है, पाकिस्तान ही लानी है, पाकिस्तान ही लानी है। ये तो लोगों ने जोश में आ गया। हाँ जी, जोश में सचिन, ये सचिन का जोश है। अच्छा, ये सचिन का जोश है। तो ये युवा है, ये सीनियर लोग हैं, और ये बच्चे हैं जो भारत माता की जय बोल रहे हैं। और ये पूरा जो है रघुपुरा गांव है, और गांव का माहौल आपको मैंने दिखाने की कोशिश की, घर का माहौल मैंने दिखाने की कोशिश। आप देखिए मीडिया वाले किस तरह से, अभी भी अंदर से उन्होंने कहा कि यार चले जाओ बाहर, चले जाओ, क्योंकि भीड़ है, खाने की जो है वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी अगर इस तरह का माहौल है तो क्या कर सकेंगे? और इसी वजह से जो है ये लोग यहाँ पर जो है अड़े हुए हैं। पूरे गांव में अपने आप को आपको एक मेला जैसा माहौल है। नए नए मीडिया कर्मी आ रहे हैं बाहर बाहर से, ये भी आए हैं। क्या नाम है आपका? है? वो तो अंदर भी कह रहे हैं कि घुसो मत अंदर। कौन बोल? कहाँ से आए हो? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। इस चक्कर में कि सीमा हैदर का अगर इंटरव्यू मिल जाए तो मजा आ जाए, चैनल पर ट्रैफिक आ जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की व्यूअरशिप मिल जाए, लेकिन उसका हाल बेहाल है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।